हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक सिंपल सी रेसिपी जो कि फटाफट बन जाएगी और बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। सो आज हम बना रहे हैं प्याज वाली भिंडी। ये बहुत ही जल्दी बन जाएगी, ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। आप इसको लंच में प्रिपेयर कर लो या तो फिर आप डिनर में प्रिपेयर कर सकते हो। सो चलिए देख लेते हैं जल्दी से इसकी रेसिपी। प्याज वाली भिंडी बनाने के लिए सबसे पहले इसको वॉश करके ड्राई कर लें। तो चलिए सबसे पहले कट कर देते हैं इसका हेड और टेल, और हमको मीडियम साइज़ के पीसेस में भिंडी को कट करना है, जैसे कि मैं यहाँ पे कर रही हूँ। इतनी ही साइज़ के आपको पीसेस लेना है, ज़्यादा छोटे पीसेस नहीं करने हैं। भिंडी खाने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, आप अपनी डाइट में इसको ज़रूर इंक्लूड करें। तो चलिए हमारी भिंडी हो गई है कट। यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज़ का अनियन लिया है और उसको बड़े बड़े पीसेस में कट कर दिया है। ये हम भिंडी में मिक्स कर देंगे। जो मसाले हम लोग भिंडी में ऐड करने वाले हैं, चलिए उसकी कर लेते हैं प्रिपरेशन। आपको लेना है 1 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर और 1 चम्मच आमचूर पाउडर। इसको कर लेना है अच्छे से मिक्स। इसको अभी के लिए रख देते हैं। और चलिए अभी हम ले लेंगे एक पैन या कढ़ाई, रेगुलर जितना डालते हैं उसे थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा डालना है। और यहाँ पे ऑयल हो गया है गरम, इसमें ऐड करेंगे अनियन एंड भिंडी। अच्छे से स्टर कर ले, मिक्स करना है अच्छे से, और थोड़ी देर के लिए आपको इसको छोड़ देना है। लगभग 10 मिनट के बाद जब भिंडी थोड़ी सी पक जाए, इसमें ऐड कीजिए नमक अपने स्वाद अनुसार और मिक्स कर लीजिए इसको। और इसको फिर से छोड़ दें आप धीमी आंच पे। सो ये लगभग पक चुकी है, तो इसमें ऐड करेंगे हमने जो मसाले तैयार किए थे वो सारे मसाले इसमें ऐड कर देने हैं और अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर ले। आंच को कीजिए थोड़ी सी तेज़ और लगभग 1 मिनट तक के लिए आप इसको पकाइए, इससे भिंडी एकदम कुरकुरी हो जाएगी। सो जो भी एक्सेस ऑयल है वो हमको बिल्कुल यहाँ पर निकाल देना है। ज़्यादा तेल है हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही हानिकारक। यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ रोस्टेड ग्राउंडनट पाउडर। सो ये लीजिए, हो गई है हमारी प्याज वाली भिंडी बिल्कुल तैयार। आप इसको पराठा या रोटी के साथ में एंजॉय करें। तो कैसी लगी रेसिपी? अगर अच्छी लगी हो तो ज़रूर ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। मिलूंगी आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में विद अनदर हेल्दी एंड वेरी टेस्टी रेसिपी। टिल देन कीप कुकिंग। बाय बाय।